नमस्कार मेरे प्यारे देशवासियों, कोरोना पर बोलेंगे या अनलॉक टू पर देश को देंगे दिशा निर्देश, चीन को सख्त चेतावनी देंगे या चीनी एप्स बैन करने पर करेंगे बात, ये वो तमाम सवाल है जो हर देशवासी के मन में चल रहा है। शाम 4 बजे पीएम मोदी देश को संबोधित करने वाले हैं और अटकलें तेज हैं कि क्या बोलेंगे पीएम मोदी, क्योंकि एक साथ देश दो मोर्चे पर जूझ रहा है, एक तरफ चीन है और दूसरी तरफ कोरोना। मैं देश को भरोसा दिलाना चाहता हूं, हमारे जवानों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। हमारे लिए भारत की अखंडता और संप्रभुता सर्वोच्च है और इसकी रक्षा करने से हमें कोई भी रोक नहीं सकता। सभी एक्सपर्ट्स बताते हैं, साइंटिस्ट बताते हैं कि कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा, लेकिन साथ ही हम ऐसा भी नहीं होने दे सकते कि हमारी जिंदगी सिर्फ और सिर्फ कोरोना के इर्द गिर्द ही सिमट कर रह जाए। हम मास्क पहनेंगे, दो गज दूरी का पालन करेंगे। जब से देश में कोरोना का संकट शुरू हुआ है, पीएम मोदी का ये छठा संबोधन होगा। कोरोना काल में पीएम मोदी अब तक 5 बार देश को संबोधित कर चुके हैं। पीएम मोदी का पहला संबोधन 19 मार्च को हुआ था, जब जनता कर्फ्यू का ऐलान हुआ। फिर 24 मार्च को पीएम ने पहले लॉकडाउन की घोषणा की। 3 अप्रैल को कोरोना का अंधकार भगाने के लिए उन्होंने दीप जलाने की अपील की। बाद में उन्होंने ही लॉकडाउन 2 और 4 का ऐलान किया। इस आयोजन के समय किसी को भी कहीं पर भी इकट्ठा नहीं होना है। रास्तों में, गलियों में या मोहल्लों में नहीं जाना है। अपने घर के दरवाजे, बालकनी से ही इसे करना है। सोशल डिस्टेंसिंग की लक्षण रेखा को कभी भी लांघना नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी ऐसे वक्त में देश को संबोधित करने जा रहे हैं जब कोरोना केस देश में रफ्तार पकड़ चुका है। देश में आज कोरोना के 18,522 मामले आ चुके हैं। 24 घंटे में कोरोना से 418 मरीजों की मौत हो चुकी है। देश में कोरोना के कुल केस 5,66,840 पहुंच चुके हैं। अब तक कुल 16,893 लोगों की मौत हो चुकी है। खास बात यह है कि आज ही अनलॉक 1 खत्म हो रहा है, कल से अनलॉक 2 की शुरुआत हो रही है। ऐसे में माना जा रहा है कि पीएम मोदी अनलॉक 2 पर भी बात कर सकते हैं। हमेशा की तरह वो देश को कोरोना से लड़ने का रास्ता दिखा सकते हैं। इसकी एक दवाई है जिसका हम सबको पता है, और ये दवाई है 2 गज की दूरी। ये दवाई है मुंह ढकना, फेस कवर या गमछे का इस्तेमाल करना। जब तक कोरोना की वैक्सीन नहीं बनती है, टीका नहीं बनता है, हम इसी दवाई से इस कोरोना से रोक पाएंगे। कोरोना के खिलाफ जंग न सिर्फ सेहत के स्तर पर लड़ी जा रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था के स्तर पर भी ये एक मुश्किल लड़ाई है। हजारों लोगों के रोजगार छिन चुके हैं। अनलॉक होने के बावजूद बाजार और उद्योग धंधे ठीक से नहीं खुले हैं। बाजार में एक तरह से निराशा का दौर है। ऐसे में जब पीएम मोदी देश को संबोधित करेंगे तो उम्मीद है कि आर्थिक मोर्चे पर निराश जनता में हौसला बढ़ाने की कोशिश करेंगे। आर्थिक व्यवस्था की कड़ियों को 20 लाख करोड़ रुपए का संबल मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। 20 लाख करोड़ रुपए का एक पैकेज
2020 में देश की विकास यात्रा को 20 लाख 2020 में आत्मनिर्भर भारत अभियान को एक नई गति देगा। देश चुनौती के दौर से गुजर रहा है, जनता कड़े इम्तिहान में है, सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, एक बड़ी आबादी सरकार के हर दिशा निर्देश का पालन कर रही है। ऐसे में आज पीएम मोदी का संबोधन होगा तो जनता की उम्मीदें भी बड़ी होंगी। इससे न सिर्फ देश को हौसला मिलेगा बल्कि आगे की लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी इसका खाका भी साफ होगा।